अच्छा एक मिनट जी जी एक मिनट रुके। हाँ चलिए बोलिए। पाँच मिनट आपका भी लेंगे। पूर्णिया में अवैध अतिक्रमण कब्जा हटाने पहुंची मजिस्ट्रेट को लोगों ने घेर कर हमला कर दिया और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हद तो ये हो गई जब मजिस्ट्रेट साहब अतिक्रमण हटाओ अभियान की जानकारी ऑन कैमरा दे रहे थे कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल पूरा मामला पूर्णिया के खजांची थाना क्षेत्र के रंगभूमि मैदान के समीप हाउसिंग कॉलोनी का है। बताया जाता है कि यह जमीन हाउसिंग बोर्ड की है जो सालों से यूं ही पड़ी थी। खाली होने की वजह से लोगों ने बांस बल्लम से यहां अपनी झोपड़ियों का आशियाना बना लिया और रहने लगे। लेकिन लोगों की माने तो अधिकारियों की टीम द्वारा अचानक धमक जमीन खाली करने का निर्देश दिया। यहाँ पे सर कल जो है कुछ 3-4 आदमी से आया हमको बोलने के लिए, जो कल आपका घर टूट रहा है आप घर तोड़ लीजिए या नहीं तो हम बुलडोजर लेकर के आए हैं आपका घर तोड़ देंगे। तो हम बोले सर तोड़ने से पहले नोटिस दिया जाता है और नोटिस के अलावा जो है टाइम दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, लेकिन ना तो आप हमको टाइम दे रहे हैं, टाइम हमको दीजिए हम अपने से जगह आपका खाली कर देंगे। तो फिर वो बोला क्या जो नहीं टाइम नहीं दिया जाएगा। तो हम बोले क्या जो सर सामान लेकर के मेरा घर है ना, ये झोपड़ी तो नहीं है किसी का घर है और 25 साल से रह रहे हैं हम, बाल बच्चा है मेरा, ये सावन भादव का टाइम है, हम सावन भादव बारिश में कहाँ जाएंगे, दिन रात बारिश होती है हम कहाँ जाएंगे। तो वो बोलता है क्या जो ठीक है आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, रात भर का समय है आपके पास में, रात भर में आपको जो करना है वो कर लीजिए, सुबह आएगी मेरी गाड़ी और गाड़ी आने के साथ आपको जो है खाली करना पड़ेगा। तो हम बोले क्या जो ठीक है सर देखते हैं हम भी कोशिश करते हैं। फिर रात में हम जई को फ़ोन किए, जई से हम टाइम मांगने के चक्कर में फ़ोन किए, तो जई बोला क्या जो मतलब जैसे मेरा नाम सुना बोला कौन, तो हम बोले शांति झा, जैसे शांति झा का नाम सुना फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद फिर फ़ोन लगाते रह गए, फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर 11:15 बजे हमको थाना से सूचना मिला, कोई फ़ोन किया हमको जो आपका घर तोड़ने के लिए जा रही है, यहाँ से प्रशासन भी है और जो है बहुत सारा बोर्ड से भी आदमी आया हुआ है जो कि तोड़ने के लिए जा रहा है। फिर हम MP साहब को बार बार फ़ोन किए लेकिन कहीं से कुछ कोई सुविधा नहीं मिली हमको। और मेरा घर जो है आज तोड़ करके चकनाचूर कर दिया और तोड़ने के बाद मतलब मेरा घर का टोटल सामान उठा रहा था। एक महिला है जो जिसका नाम रेखा है, उसको मतलब बहुत बेरहमी से प्रशासन मारपीट भी किया, उसका कान उनका छीन लिया, गला उला का सब तोड़ ताड़ करके फेंक दिया कि ले लिया, क्या किया नहीं किया पता नहीं, इसका शक्ल देखिए कैसा है, ये मतलब रोती रह गई चिल्लाती रह गई लेकिन कोई कुछ नहीं, मारपीट भी प्रशासन मारपीट किया, पूरा प्रशासन मारपीट किया, सब देखिए घींच लिया कान का गला का देखिए सब घींच के लेकर चल गया सर। हम यही कोशिश उसका यही कहने का, हम यही कहे उसका के छोड़ दीजिए, और लेडीज पुलिस ने हम कुछ नहीं किए, वो हमको पकड़ के घींच के उन्हें ले गया, वहाँ से इशारा दिया और घींच करके उन्हें ले जाकर हमको मारने लगा सब मिल करके, घर तोड़ दिया, फ्रिज त्रिज पाइप घींच रहा था उसको बोले हमके पाइप नहीं ले जाइए, पाइप सब घींच घींच के लेके चल गया, वो सामान जैसा बढ़िया बढ़िया वो सब लेके चल गया। दूसरी ओर अधिकारियों की माने तो जमीन खाली करने की सूचना पूर्व में लिखित और मौखिक रूप में दी जा चुकी थी। सदर SDM के निर्देश पर अनिल कुमार बंदोबस्त पदाधिकारी को अतिक्रमण हटाने के लिए मजिस्ट्रेट बनाया गया था। इस कार्रवाई के दौरान भिड़ंत हो गई। बताए आज जो वहाँ अतिक्रमण खाली कराने के लिए टीम पहुंची, आवास बोर्ड की वो जमीन थी उसमें 10-12 साल से इंक्रोचमेंट के रह रहा था, जो अवैध मकान बना के उसमें रह रहा था, ठीक है, उसको खाली कराना जरूरी था, उसको ऊपर से आदेश था कि उसे खाली कराना है, उसे हम लोग खाली कराए। किसके आदेश पर? वो अनुमंडल पदाधिकारी के उसमें आदेश प्राप्त था, उसके आदेश के तहत ये खाली हुआ है। पूर्व में उन लोगों को नोटिस दिया गया? पूर्व में उन्हें कई बार नोटिस दिया गया है और कई बार मौखिक रूप से भी कहा गया है कि आप इसको छोड़ दीजिए, प्लॉट को खाली कर दीजिए, ये प्लॉट आपका नहीं है, प्लॉट किसी और के नाम से आवंटित है, आवास बोर्ड उसको आवंटित किया हुआ है, अब प्लॉट को आप खाली कर दीजिए। अच्छा तोड़फोड़ के दरमियान क्या कुछ हुआ? तोड़फोड़ के दरमियान उन लोगों ने जितना सामान था वो लोग सारा सामान निकाल लिया था, पूरा सामान निकालने के बाद हम लोग उन लोग उसको जो मतलब तोड़फोड़ किए, उसका कोई सामान का नुकसान नहीं हुआ है, कोई क्षति नहीं हुआ है, जब देख लीजिए पूरा सामान उसका निकल चुका है, इसके बाद हम लोग
उनका सामान निकाले हैं, उसका तोड़फोड़ किया है। उधर से मारपीट भी की गई बस स्टैंड की? हाँ, उनके तरफ से जो है हम लोगों ऊपर जो पथराव भी हुआ है, पुलिस के ऊपर किया है, मजिस्ट्रेट के ऊपर से हम लोगों के ऊपर जो है वो पथराव किया है, मारपीट किया है, जो कि उन लोगों ने गलत किया है। घायल भी हुआ कोई? घायल तो उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन हमारी मजिस्ट्रेट साहब को जिस तरह से उन लोगों ने जो मतलब दुर्व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है। ये मामला सरकारी लापरवाही का है। यदि हाउसिंग बोर्ड की जमीन थी तो बोर्ड को अपनी जमीन की कायमी के लिए सीमांकन करना चाहिए था और इस बात की जानकारी सार्वजनिक रूप से एक बोर्ड गाड़कर बतानी चाहिए थी कि यह जमीन उसकी है और इस पर बसे लोगों को प्रशासन हटाने की कार्रवाई करेगा। लेकिन होता यह है कि जमीनों की बेनामी खाली रहने से किसी को ये पता नहीं होता है कि ये जमीन किसकी है और धीरे धीरे स्थानीय रोज कमाने खाने वाले लोग वहां आकर बस जाते हैं, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण में अतिक्रमण कहलाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन को इस मामले में धैर्य से काम लेना चाहिए और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।